नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में कृष्णा यादव उर्फ पुजारी की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। बताते चलें कि 11 से 12 फरवरी की रात बक्सा थाने की पुलिस ने चकमिर्जापुर के रहने वाले कृष्ण यादव उर्फ पुजारी को हिरासत में लिया था। सुबह पुजारी की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित 9 पुलिस कर्मियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले में सीजीएम कोर्ट जौनपुर ने तत्कालीन थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। फरार चल रहे सभी पुलिसकर्मी घटना के बाद निलंबित कर दिए गए हैं। परिजनों ने हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी पुलिसकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी न हो पाने पर हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सर, आपका शुभ नाम सर? एडवोकेट गजेंद्र सिंह, हाई कोर्ट इलाहाबाद। जी सर, तो पूरा मामला जो है उसके बारे में थोड़ा। जिला जौनपुर थाना बक्सा जो है, इसमें 11-12 फरवरी को रात के समय जी घटना हुई थी। इसमें कृष्ण कुमार यादव और पुजारी यादव, पुत्र तिलकधारी यादव, ये निवासी चकमिर्जापुर जौनपुर के हैं जी। इनके ऊपर कस्टोडियल डेथ का इनकी जो है हुई है, उसमें आरोप है। हिरासत में इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई थी, वहाँ इनकी मौत हुई है जी। तब से इस मामले में लगातार जांच चल रही है जौनपुर में, मतलब उसकी सीआईडी जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है और न्यायिक जांच भी इसकी चल रही है, जिसकी रिपोर्ट के संदर्भ में और जांच से असंतुष्ट होकर के इनका परिवार जो है माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने क्रिमिनल मिसलेनियस रिट दाखिल की थी, जिसकी तारीख लगते हुए 6 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने, इसमें जौनपुर के एसपी की व्यक्तिगत उपस्थिति इसमें हुई थी 6 तारीख को। तो 6 तारीख को सुबह इनसे रिपोर्ट मांगी है, तो इन्होंने कहा था कि हम 48 घंटे में इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करके आपको दिखाएंगे जी जी, संबंधित मतलब सभी आरोपियों की जी जी। और दोपहर में इसमें आदेश हुआ है, तो शाम को इन्होंने जो है इस पे यहाँ के जौनपुर के माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट इन्होंने प्राप्त किया है। अब यहाँ पे जो है ये बात इनकी हिला वाली इस चीज़ से पता चल रही है कि इन्होंने अभी 6-7 महीने से गिरफ्तारी का वारंट ही प्राप्त नहीं किया था, जो कि इन्होंने अब आकर के प्राप्त किया है, जब हाईकोर्ट ने ऊपर से इन्हें फटकार लगाई जी जी। इसके बाद अब इन्होंने दोबारा से ये पेश हुए हैं कोर्ट में कल 8 तारीख को, और फिर ये गिरफ्तारी 48 घंटे के भीतर भी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। इससे कोर्ट ने दोबारा नाराज़गी जताई है और कोर्ट ने इसमें जो है इनकी कार्रवाई से असंतुष्ट होते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है जी सर। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।